दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और हमारा यूट्यूब चैनल है इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। वैसे हम इंडस्ट्री दिलवाते हैं लोगों को, पर अभी हम आपको लेके आए हैं फ्लैटों की मंडी में, फ्लैट ही फ्लैट। और ये जगह है नोएडा सेक्टर 150। इस मंडी के अंदर आप आओ तो फंस मत जाना। इस मंडी में याद रखना कि आपको रेडी टू मूव लेने हैं, अगर आप चाहते हो कि सिक्योर्ड एरिया हो। पर मुझे रेट इसके ज़्यादा लगे, यहाँ पे जो रेट है एवरेज 6.5 से 7 हज़ार रुपया स्क्वेयर फुट का रेट है। देखो जी, सारे बिल्डर मालिक जैसे ही बनाते हैं, यहाँ पे दुनिया भर के बिल्डर हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि लिखा हुआ है ना जी, समृद्धि है, एस है, ATS है, महागुण है, वही जो 10-12 प्लेयर बचे हैं, गोदरेज है, बाकी तो सारे भाग गए अपना बोरिया बिस्तर लेके, ये बच गए। अब नोएडा में अगर हम हायरार्की करें बिल्डर की, सबसे अच्छा बिल्डर कौन है, तो नंबर 1 में आता है ATS, नंबर 2 पे आता है गोड, नंबर 3 पे आता है आपका एस, नंबर 4 पे आता है गोदरेज। तो ये 4-5 ही बिल्डर हैं कि जो जोड़े ठीक ठाक हैं, बाकी सारे बिल्डर तो बर्बाद हैं। ठीक है जी, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई जी क्या बेचते हो? सब बेचते हैं। अच्छा, नहीं मेन क्या चीज बेचते हो? इस पार्क पे। अच्छा, इसमें क्या रेट है, इसमें बुकिंग में? बुकिंग में? हाँ, ये बुकिंग हो रही है ना इसकी? हाँ जी। बुकिंग में क्या रेट चल रहा है? एक मिनट, ये ट्रक, पहले तो अपना नाम बताइए, शुभ नाम क्या है? नीरज। नीरज, अच्छा नीरज भाई, यहाँ पे अभी एक तो एस चल रहा है, एक इधर ये तो रेडी हो गया, और ATS महागुण भी तैयार माल है, कुछ बाकी है, एक दो टावर इनके बाकी हैं, ATS में भी 2-3 टावर बाकी हैं, और समृद्धि। समृद्धि कहाँ है? एलडी को टाटा समृद्धि एरिया में। अच्छा, ये सामने है सारे? हाँ सर। गोदरेज फार्म के गोदरेज फार्म ट्रेडिशनल। ये कोने वाला कौन सा? ये सर सिटी का, ये है ये है या भाग्या? सर ये किसी और बिल्डर ने चालू कर रखा है। अच्छा, तो दोस्तों जैसे भैया ने बताया कि एक तो यहाँ पे अगर आप वो लेना चाहते हैं, क्या कहते हैं यमुना के अंदर से जो फार्म हाउस, तो ध्यान से लें जिसकी पक्की रजिस्ट्री हो। चलो दूसरा, हम फ्लैटों की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया में बिल्कुल फंसना नहीं, आपको 100 बंदे मिल जाएंगे। अगर आपका इस एरिया में मन है, आपका खुली डुली सड़कें देख के मन आ गया, तो बना बनाया जिसकी पक्की रजिस्ट्री आपको मिले और जिस प्रॉपर्टी पे लोन हो। नोएडा सेक्टर 150 में अगर लोन होता हो वही लेना है, और कोई भी बुकिंग नहीं करनी। 42 एकड़ में भगत सिंह पार्क है। हाँ भाई, था वो ऊंची सी बिल्डिंग कौन सी है? ये सर वो ATS की सर वो। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम AR है, PR। ATS की एक बिल्डिंग और बन रही है, बड़ी तेजी से काम चल रहा है, इसमें भी बुकिंग नहीं करवानी है आपको, भूल के भी पक्का ही लेना, रेडी टू मूव। ये पता नहीं कौन साला कब भग जाए, मामला खराब हो जाता है। आपको आपके माँ बाप की कसम, आपको राखी की कसम, आपको अपनी बहन की कसम, कभी भी बुकिंग नहीं करवानी है, पक्का माल लेना है जिसकी रजिस्ट्री हो। देखो ये बिल्डर भाग गया, ये कोई लांडू प्रसाद था, लांडू प्रसाद लांडू लगा के भाग गया इन्वेस्टर को। देखो जी, इसके कपड़े भी फट के नीचे गिरे पड़े हैं, तो ऐसे फंसना नहीं है किसी भी दलाल के चक्कर में। देखो मैं ठोक ठोक के कह रहा हूँ, और अगर आपका बड़ा परिवार है तो प्लॉट लेके बढ़िया सा विला बनाओ, ये सब चमक दमक है। इसमें ना दलाल होते हैं, उनका कमीशन होता है 4-5% आपने 1 करोड़ का खरीदा, उसे 5 लाख मिल जाएगा, भाग जाएगा। अच्छा, ये पार्क तैयार हो गया भाई साहब, शहीद भगत सिंह पार्क? हाँ सर, ये पार्क पूरा। तो भगत सिंह की मूर्ति भी लगी हुई है, हाथ हिला रहे हैं वो? ये देखो जी, भगत सिंह जी की मूर्ति है, कह रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिल्ली वालों आ जाओ, दिल्ली वाले आ जाओ। हाँ जी, 42 एकड़। रूबी जी कैसा लगा आपको ये एरिया? अच्छा। हाँ जी, अच्छा लगा एरिया। और पर यहाँ पे फ्लैट ज्यादा है जी? हाँ, तो फ्लैट सिक्योर है, रोड 15 फुट रोड। पर रेट देखो ना, 7.5 हज़ार का रेट बोल रहे हैं जी। नोएडा में भी तो है? नहीं, ग्रेटर नोएडा में तो 3500 में मिल जाएगा आपको। ग्रेटर नोएडा में ना, ये नोएडा तो एक दीवार पान करके आधे रेट में माल मिल रहा है। खाली तो सर नदी पार करके हाफ रेट में मिल जाएगा, तो यहाँ क्यों फंसे हम? सर यहाँ पे सर पूरा ग्रीन एरिया, सर देखो यहाँ पे सब आपका स्कूल भी। अरे सर, नोएडा 30 और ग्रेटर नोएडा 30 तो दोनों भाई बहन ही है, यहाँ रो चाहे वहाँ रो, भैया इसका महंगा हो चुका है। हाँ, बहन अभी सस्ती है, बहन सस्ती है, राखी नहीं आई ना। राखी किस चीज की पता है, किस रेट को राखी है? नहीं, क्यों तरीक है 22 की है, तो राखी की तैयारी कर लो भैया, पैसे वैसे जोड़ लो, बहन को खूब पैसे देने इस बार। ये रूबी जी मेरी धर्मपत्नी है, ये आपको जानकारी देती रहती है, पूछा मत करो कमेंट बॉक्स में मैडम कौन है, लड़ाई करवाओगे सालों, शाम को रोटी नहीं मिलेगी मुझे। तो देख लो, ये सेक्टर 150 है भैया जी, ये कोई मदद चाहिए तो मिल लेना, यहाँ पे यहीं रहते हैं। आपका ठिया कहाँ है भाई? है अच्छा, कोंडली गाँव है, गाँव का रास्ता किधर से है? अच्छा, ये ऐसे बंद क्यों कर रखे हैं जो रस्ते? वो है कि किसी का एक्सीडेंट नहीं हो, आज याद लेकर
अच्छा, मैं कुछ जवान लड़के रात को शराब पी के इधर से जाते होंगे तो एक्सीडेंट ना हो तो रास्ते बंद कर रखे हैं। तो देखो जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया आपने सेक्टर 150 का, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पर सड़कों के चक्कर में फंस के अपने करोड़ रुपया नहीं फंसा देने। बिल्कुल सावधानी से काम करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सिर फटा आदमी ऊपर। तो ऐसे प्यार बनाए रखो, देखते रहो हमारा चैनल इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। मैं आपका दोस्त शशि भूषण और साथ में मेरी धर्मपत्नी रूबी जी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।